एक्सरसाइज 15.5 में हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर वन के आपके पास एलिमेंट्स मैथमेटिक्स से देखिए स्टेटमेंट पढ़िए। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग आपके पास उसमें 4 रेड और 3 देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एक बैग में 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकंड बैग में क्या आपके पास 2 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। वन बैग इज सिलेक्टेड एट, पहले बैग को सिलेक्ट किया बच्चों, तो पहले दो बैग हैं तो एक बैग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 और इसकी भी क्या हो जाएगी सेकंड बैग की 1/2। फाइंड फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग वन बॉल इज ड्रॉन। सिलेक्टेड बैग से एक बॉल को ड्रॉन किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बैग में जो है दोनों बैग में से जो बॉल आएगी वो रेड कलर की आएगी, ठीक है। तो ये ट्री डायग्राम बना लीजिए आप, PE1 PE2, ये बैग की प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/2 1/2, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं एक बार, उसके बाद ये आपको समझ आ जाएगा। डायग्राम आप बना लीजिए फिर हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे होगा, मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप लिखेंगे ए रेड बॉल कैन बी ड्रॉन, ए रेड बॉल कैन बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग वेज। रेड बॉल कैन बी ड्रॉन इन द फ्लोइंग वेज, ठीक है। रेड बॉल कैसे आ सकती है, फर्स्ट बैग से भी आ सकती है और सेकेंड बैग से भी आ सकती है। तो लिखेंगे सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, पहले बैग को सिलेक्ट किया, सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग एंड ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम इट। पहले बैक को सिलेक्ट किया फर्स्ट को और उसमें से रेड बॉल ले ली। सेकंड क्या हो सकता है, सिलेक्टिंग सेकंड बैग को सिलेक्ट करें एंड ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम ये भी आपके पास क्या था, रेड बॉल थी। फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया, रेड बॉल निकाल ली, सेकंड बैग को सिलेक्ट किया, रेड बॉल निकाल, ठीक है। तो दो इवेंट हो गया आपके पास, इवन इवेंट होगी फर्स्ट बैग के लिए और इट होगी सेकंड बैग के लिए। तो लिख लेंगे आप लैंग्वेज एक क्वेश्चन में कंप्लीट, लेट ई वन एंड ई टू बी द इवेंट्स that first bag and that even and it to be the events that first bag and second bag are selected respectively and मुझे क्या लेनी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, उसको मैं ए से ले लेता हूं। एंड लेट ए बी द इवेंट दैट लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रोन इज रेड लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रोन इज रेड। देखिए यहाँ पर क्या यूज होगा बच्चों, ए इवेंट बॉल लेने की, इससे पहले बैक सिलेक्ट हो चुके हैं, तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे की तो क्या आएगी, पी ए बाय ई वन, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा आपके पास, ये आपको समझ आ जाएगा। डायग्राम आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई वन का मतलब है पहले ए वन इवेंट ऑलरेडी अक्योर्ड हो चुकी है, तो ए बाय ई वन है, फर्स्ट बैग से रेड बॉल लेनी है, तो 4/7, ठीक है। तो लैंग्वेज लिखेंगे, तो बैग की प्रोबेबिलिटी देखिए बच्चों कितनी है, क्योंकि बैग आपके पास क्या है, इक्वली लाइकली, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इज इक्वल टू 1/2 आएगी। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए वन, यानी कि फर्स्ट बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बैग में 4 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल। ठीक है, पी ऑफ ए बाई ए वन का मतलब क्या, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड व्हेन फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। When first bag is selected, तो कितनी आएगी बच्चों, 4/7। Similarly, P of A by E2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? That is the probability that the ball drawn is red when second bag is selected. P of A by 2 का मतलब क्या हो जाएगा? The probability that the ball drawn is red. The probability that ball drawn is red when second bag is selected. When second bag is selected. ठीक है, अब total probability लिखते हैं हम। Then by law of total probability. Then by law of total probability क्या आ जाएगी बच्चों, रेड बॉल की लेनी है। P of A is equal to, यानी कि पहले तो बैग सेलेक्ट किया P of E1, फिर E1 इवेंट हो चुकी है, बैग ले चुके हैं, फिर रेड बॉल लेनी है फर्स्ट बैग से, प्लस P of E2 इंटू में P of A by E2 वैल्यू पुट कर देंगे। आएगा 1/2 इंटू में 4/7 प्लस 1/2 इंटू में 2/6, यह आ जाएगा जी 2/7 प्लस 1/6, यह आ जाएगा 12 प्लस 7/42 इज इक्वल टू 19/42 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कीजिएगा नोट ध्यान से इसको। बाकी के जो क्वेश्चन है आप ट्राई करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। तो इसको करने से पहले आपकी जो एलिमेंट्स मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं उसमें एग्जांपल नंबर 2 है, तो एग्जांपल नंबर 2 को आप स्टडी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को इजिली सोल्व कर सकते हैं। ये काम आप जो है ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। और उसके बाद जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, देर आर टू बैग्स, ठीक है, स्टेटमेंट है देर आर टू बैग्स, वन बैग कंटेन्स 4 वाइट। तो इसको करने से पहले आप अपनी बुक से एग्जांपल नंबर 3 को अच्छे से स्टडी करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 को स्टडी करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो सोल्व हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के आपके पास। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। An urn contains 5 red and 5 black balls. किसी भी urn में आपके पास बच्चों 5 red balls हैं और 5 black balls, ठीक है? NCERT का एक question है बच्चों, ध्यान से करना इसको। An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted. एक ball ले ली बच्चों, उसको color note किया गया and is returned to the runner. इसको वापिस ही bag में रख दिया। Moreover, two additional balls of the color drawn are put in the run. आपने मान लीजिए रेड बॉल इसलिए निकाल ली बच्चों, तो आपने उसका कलर देख के दो रेड बॉल इसके अंदर दोबारा से रख दी वापिस। अगर ब्लैक निकाली तो दो एक्स्ट्रा ब्लैक रख दी। What is the probability that the second ball is red? आपने बताना है कि जो सेकेंड बॉल है वो आपके पास क्या आएगी, रेड आएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से। ये एक्सपेरिमेंट आपके पास है, ये देखिए, फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट, फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट ए रेड बॉल कैन बी ड्रॉन इन सेकेंड ड्रॉ,
कैन बी ड्रॉन सेकंड, क्योंकि लास्ट लाइन पर स्टेटमेंट की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, तो ए रेड बॉल कैन बी ड्रॉन इन सेकंड ड्रो, इन सेकंड ड्रो इन द फॉलोइंग टू वेज, इन द फॉलोइंग टू वेज, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं बच्चे उसके, कैसे, मान लीजिए फर्स्ट टाइम में हमने रेड बॉल ली तो दो रेड बॉल वापिस रखनी है उसमें, एक तो हो जाएगी दो उससे एक्स्ट्रा, अगर ब्लैक बॉल ली तो दो वापिस रखनी, तो दो इवेंट हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्या होगा, ए रेड बॉल इज ड्रॉन, ए रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न इन फर्स्ट ड्रॉ, ए रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न इन फर्स्ट ड्रॉ एंड वापिस रख देंगे उसको, एंड रिप्लेस्ड इन अर्न, रिप्लेस रखना है उसी अर्न में वापिस, कैसे, विद टू एडिशनल रेड बॉल्स, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया बच्चों विद टू एडिशनल रेड बॉल्स, ठीक है, ये ध्यान देना। अब दो बॉल एक्स्ट्रा रेड रख दिया, अब रेड आपके पास सेवन हो गई है, सेवन प्लस फाइव टोटल ट्वेल्व हो जाएंगे, ठीक है। वापिस रखने के बाद फिर आपने एक रेड बॉल निकालनी है, एंड देन drawing a red ball and then drawing a red ball in second draw, फिर आपने red ball लेनी है, ठीक है। second case क्या हो सकता है, ये तो थी red ball, अब क्या लेंगे, black ball लेंगे, उस black ball को वापिस रख देंगे, उससे extra दो black ball और इसी के अंदर रख देंगे बच्चों। second case क्या हो सकता है, a black ball, ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न इन फर्स्ट ड्रॉ, इन फर्स्ट ड्रॉ एंड रिप्लेस्ड इन अर्न, and replaced in urn with two additional, and replaced in urn with two additional black balls, and वापिस रख दिया उसको, फिर रेड बॉल लेने, क्योंकि रेड की निकालनी है हमने प्रोबेबिलिटी, एंड देन ड्रॉइंग ए रेड बॉल इन सेकेंड रो। देखिए क्या किया बच्चों ने, पहले रेड बॉल निकाली फर्स्ट रो में, उसका देखिए हमने रेड है तो दो रेड बॉल वापस रख दी, फिर ठीक है, फिर सेकेंड रो एक रेड बॉल ली, ठीक है, सेकेंड रो में, फिर क्या किया हमने, फिर ब्लैक बॉल निकाली, फिर दो वापस ब्लैक रख दी, फिर रेड बॉल निकाली, ठीक है, तो दो इवेंट हो जाएंगे आपके पास, दो केस बने हैं तो दो इवेंट हो जाएंगे, वन एंड एट। देखेंगे लेट इवन बी द इवेंट, लेट इवन बी द इवेंट दैट रेड बॉल इज ड्रॉन इन, रेड बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रॉ एंड E2 be the event, and E2 be the event that, and E2 be the event that black ball is drawn in first draw, in first draw. Okay. Let E1 be the event that red ball is drawn in first draw and E2 be the event that black ball is drawn in first draw. ठीक है, ये तो होगी E1 और E2 event, जब पहले हमने
रेड बॉल ली फिर ब्लैक, लेकिन फाइनल आंसर में क्या देना, सेकंड रो में क्या लेनी है, रेड बॉल, तो उसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट, लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन, लेट ए बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इन सेकेंड रो इज रेड इन कलर, यानी कि रेड बॉल आई, ठीक है। उसके बाद आपके बैग में क्या बच्चों, फाइव रेड बॉल्स हैं और फाइव ब्लैक बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन इवेंट में क्या लिया था हमने, फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल, तो कितनी आएगी, 5/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ई टू इवेंट में लिया था, फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल आए तो वो भी फाइव ब्लैक में से आएगी, 5/10। अब ध्यान से देखना बच्चे, अब जब हमने इवन इवेंट पे काम कर रहे हैं तो रेड बॉल के लिए तो दो एक्स्ट्रा बॉल उसके अंदर हमने इनपुट कर दिए, तो ट्री डायग्राम बनाइए आप इसका, देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना है, 5/10। अब हमें बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए टू, सॉरी ए बाई इवन, यानी कि दो रेड बॉल एक्स्ट्रा ले ली इसमें, ठीक है ना, इवन इवेंट रेड के लिए, तो रेड बॉल कितनी होगी इसमें अब, 7, ठीक है, टोटल बॉल कितनी होगी, 12। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ई टू क्या ब्लैक बॉल के लिए कितना है, 5/10, और जब ब्लैक बॉल है तो दो एडिशनल ब्लैक बॉल डालने हैं आपने ई टू, तो फिर रेड लेने हैं, तो रेड तो कितने में से आएगी, 5 में से, टोटल बॉल कितनी होगी, 12। ये काम हमें करना है, ठीक है, ट्री डायग्राम से थोड़ा ईजी हो जाता है ये। उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में ये रेड बॉल के लिए, तो रेड बॉल को देखिए हमने वापस रख दिया, उससे अलग दो एक्स्ट्रा बॉल उसमें इनपुट कर दी, तो लिख भी सकते हैं आप इसको, नाउ नाउ व्हेन टू एडिशनल, नाउ व्हेन टू एडिशनल रेड बॉल्स, नाउ व्हेन टू एडिशनल बॉल्स, रेड बॉल्स आर पुट इन द अर्न, पुट इन द अर्न, देयर आर कितनी रेड बॉल होगी इसमें, 7, देयर आर 7 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, एंड 5 ब्लैक बॉल्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, यानी कि जब इवन इवेंट हो चुकी है तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, टोटल रेड बॉल कितनी होगी अभी, 7, ठीक है, तो लैंग्वेज लिख लेते हैं, प्री ऑफ ए बाय इवन का मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इन सेकेंड रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इन सेकेंड रो, ठीक है, जब टू बॉल्स रेड रख चुके हैं हम एक्स्ट्रा उसमें, व्हेन टू एडिशनल, व्हेन टू एडिशनल रेड बॉल्स आर पुट इन द अर्न, कितनी आएगी बच्चों, 7/12 के पास आ जाएगी। सेकेंड केस में हमने क्या किया बच्चों, ए बाई ई टू में, ई टू इवेंट किसके लिए, ब्लैक बॉल के लिए, अब की बार दो एक्स्ट्रा बॉल ब्लैक रख दिए हमने, ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज आप लिखेंगे, पी ए बाई ई टू इज इक्वल टू, लिखिए शाबाश, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इन सेकेंड रो व्हेन टू एडिशनल ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द, सेकेंड केस में हम दो ब्लैक बॉल रख सकते हैं, टोटल बॉल कितनी होगी, 12, लेकिन लेनी रेड है हमने तो 5/12, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, देन ये पी ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू क्या लिया आपने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इन सेकेंड रो व्हेन टू एडिशनल ब्लैक बॉल्स आर पुट, व्हेन टू एडिशनल ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द रन इज इक्वल टू 5/12, देन
by law of then by law of total probability then by law of total probability p of a रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी लेनी है तो p of e by e1 into में p a by e1 plus probability of e2 into में probability of a by e2 ठीक है। ये सब की वैल्यू हमने कैलकुलेशन कर चुके हैं तो ये यहाँ वैल्यू पुट करके आप उसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा इसको। इसके बाद देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। देखिए क्या इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली दिस आउट ऑफ देयर 5, 4, 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। आपने डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिफेक्टिव क्या हुआ ठीक है। तो पहले तो हम तीन इवेंट्स ले लेंगे बच्चों की मशीन ए ने ये मैन्युफैक्चरिंग की है बी ने ये सी ने इतने परसेंट की फिर उस ले लेंगे उसकी डिफेक्टिव की। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 लेट ई वन ई टू ई थ्री बी द इवेंट्स लेट ई वन ई टू ई थ्री बी द इवेंट्स दैट द बोल्ट लेट ई वन ई टू ई थ्री बी द इवेंट्स दैट द बोल्ट drawn is let e1 e2 e3 be the events that the bolt drawn is manufactured by machine a b and c respectively and probability nikalne na defective ke to a be the event and a be the event that the let a be the event that the bolt drawn is defective bolt drawn is defective therefore probability of e1 kitna der ka bachcho 25% to 25/100 probability of e2 machine b ne kitna manufacturing ki 35% 35/100 p of e3 is equal to 40/100 हमें डिफेक्टिव ही निकालनी है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई1 इसका मतलब डिफेक्टिव जो बोल्ट्स हैं वो ए1 से आएगा सॉरी ई1 इवेंट से आएगा ठीक है। यानी कि जब मशीन ए ने मैन्युफैक्चरिंग की तो लिखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा दैट इज द प्रोबेबिलिटी ये इवेंट ऑलरेडी अक्योर हो चुकी है ए निकालना ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड given that it is manufactured by machine A, it is manufactured machine A ने कितने defective bolt बनाए बच्चों 5% यानी कि 5/100। उसके बाद probability of A by E2 ठीक है direct भी लिख सकते हैं नहीं तो language लिखना चाहो तो क्या हो जाएगी language देखो the probability that क्या लिखेंगे second में the probability that the bolt drawn is defective given that it is manufactured by machine B ठीक है तो कितना गिवन स्टेटमेंट में 4%। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई थ्री तो क्या लैंग्वेज लिखोगे चाचा इसमें द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी तो ये कितना हो जाएगा 2/100। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं देख लीजिए आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
required probability is equal to P of A is equal to P of A1 into में क्या आ जाएगा P A by A1 plus probability of E2 P of A by E2 plus P of E3 और probability of A by E3 आ जाएगा। ठीक है, सभी की जो वैल्यू आप जो है पुट कर लेंगे, पुट करके आप जो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो ये आंसर आ जाएगा। इस लेक्चर में हमने बच्चों लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखा एक्सरसाइज 15.5 में। नेक्स्ट लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें हम बच्चों बेस थ्योरम के बारे में सीखेंगे, जहां से एग्जाम में 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो लगभग हर एग्जाम में आता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।